हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थानी मिर्ची, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जाती हैं। इनका कुछ भी बना सकते हैं आप, किसी भी तरह से बेसन वाली मिर्ची वड़ा, मिर्ची का कूटा, सूखी मिर्ची, बहुत बहुत सारी चीज़ बनती है इससे, मतलब रेसिपी बनती है मिर्ची की, मिर्ची के टिपोरे। तो ये देखिए, मैंने धो के और इसमें बीच में चीरा लगा लिया। आज हम भरवा मिर्ची बनाएंगे, बेसन वाली नहीं बनाएंगे, ऐसे ही मसाले डाल के बनाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं और ये 5-7 दिन तक तो ख़राब ही नहीं होती। आप बना के फ्रिज में रख सकते हो और इसका आनंद ले सकते हो। तो ये देखिए, मैं बीच में से ऐसे कट कर रही हूँ। अगर ज़्यादा तीखी मिर्ची हो तो इसके बीज निकाल लीजिएगा, और कम तीखी हो तो ऐसे बीजों के साथ ही बना सकते हैं आप। तो ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, मीडियम ही है, तो मैं इनके बीज नहीं निकालूँगी। और बिल्कुल राजस्थानी तरीके से बनाएंगे। अभी तो मिर्चियों का सीज़न आ गया, तरह तरह की मिर्चियाँ आ रही हैं मार्केट में, ज़रूर इसका मज़ा लीजिए आप। देख कितनी बढ़िया मिर्ची है, एकदम ताज़ा। तो ये देखिए, सारी मैंने इसमें चीरा लगा दिया। अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो उसमें देखिए, ये मैंने अजवाइन ले लिए 2 चम्मच के करीब, 250 ग्राम के करीब हमारी मिर्ची है, और ये राई ले ली मैंने। राई बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, अजवाइन और मेथी और थोड़ा सा जीरा। राई हमने 1 चम्मच के करीब है, और 2 चम्मच हमारी अजवाइन है, और 1.5 चम्मच हमारी सौंफ है, और थोड़ी सी हल्दी ले लेंगे। और ये जीरा है, जीरे की दाल है, तो इसको भी हम ले लेंगे, 2 चम्मच है ये भी। और लहसुन ले लेंगे 10-12 कली, और अमचूर पाउडर ले लेंगे, ये अमचूर पाउडर है, लहसुन और नमक स्वाद अनुसार ले लेंगे। तो ये 1.25 चम्मच के करीब, छोटी चम्मच है ये, नमक ले लिए, और हींग ले ली। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है, तो हींग ज़रूर डालिए ये मसाले में। और थोड़ी सी मेथी डालेंगे, मेथी भी ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, 1/2 चम्मच के करीब ही मेथी। तो अब सारियों को मिक्स करके और ऐसे इसमें मिक्सर जार में हम पीस लेंगे, इसको दरदरा सा पीस लेंगे। आप चाहे तो कूट भी सकते हो उसको। देखिए, मैंने इसको पीस लिया, तो ये देखिए। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं हम। लहसुन डाला था ना, तो उससे थोड़ा ये गीला गीला हो गया, तो इसी तरह का हमें चाहिए। तो ये लहसुन वाली मिर्ची बनती है, बहुत ही टेस्टी। तो ये सारा मैं निकाल लूँगी इसमें से अच्छे से मसाला। अब इसको देखिए, अब क्या करेंगे हम, थोड़ी थोड़ा मसाला लेके और इसमें इस तरह से भर देंगे मिर्ची में। बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के नहीं भरना है इसमें, थोड़ा थोड़ा, बस तो हल्का सा फ्लेवर आए इसका। इसमें लहसुन का, मेथी का, सौंफ का, अजवाइन का, सबका अलग अलग फ्लेवर आएगा। इतनी बढ़िया लगती है ये मिर्ची। तो इसको मैं भर लेती हूँ पहले। राजस्थान में तो बहुत खाई जाती है मिर्ची, हर तरह की रेसिपी बनती है इसकी। तो मिर्ची की सब्जी भी बनती है, दही वाली मिर्ची बनती है, कितनी सारी रेसिपी है इसकी दुनिया भर की, आप बना बना के खाइए। तो ये देखिए, मैंने अब सारी मिर्चियाँ भर ली हैं। इधर मैंने देखी, ये
कढ़ाई में तेल सरसों का डाला है, तो ये एक चम्मच के करीब तेल होगा। अब इसमें मैंने हींग डाल दी, तेल पक जाए तो हींग डाल देना इसमें, और थोड़ा सा हमने इसमें जीरा डाला है। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम ये मिर्चियाँ एक एक करके डाल देंगे, और गैस की आंच कम ही रखेंगे, हमें तेज़ नहीं रखनी। तो ये देखिए मैंने सारी मिर्ची रख दी है, और इसको हल्के हाथों से ऐसे पलटेंगे हम बिल्कुल धीरे धीरे, नहीं तो मसाला निकल जाएगा। हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो मसाला सेट हो जाएगा इसमें, तो इसलिए इसको थोड़ा ढक के रख देते हैं हम 2-3 मिनट के लिए। अब देखिए अब इसका मसाला नहीं निकलेगा मिर्चियों का, अब ये सेट होगी। देखिए इसको धीमी आंच पे ऐसे पका लेंगे हम इस तरह से। तो हमारी मिर्ची तैयार है। वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड